आगामी त्योहार ईद को लेकर पुलिस थाना घटिया में एसडीएम गोविंद दुबे व एसडीओ पीआर के रॉय व मुस्लिमजनों की शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। पूरे भारत में कोविड जैसी महामारी को हराने के लिए सरकार ने जिस तरह लॉकडाउन के माध्यम से कोविड की चेन तोड़ने के लिए लगाया, ठीक उसी का पालन करते हुए पूरे रमजान में भी मुस्लिमजनों ने घर पर रहकर नमाज व इबादत की। इसी कड़ी में उज्जैन जिले की घटिया तहसील में भी उज्जैन कलेक्टर के आदेश अनुसार शांति समिति की बैठक रखी गई। बैठक में एसडीएम गोविंद दुबे व एसडीओ पीआर के रॉय ने मुस्लिमजनों से ईद के त्योहार की तैयारियों के बारे में चर्चा की, साथ ही कोविड की गाइडलाइन का पालन करने को भी कहा। वहीं जामा मस्जिद सदर अब्दुल वहाब मंसूरी ने मुस्लिमजनों से अपील की ईद की नमाज घर पर ही पढ़े और ईद के बाद कोविड सेंटर जाकर वैक्सीन जरूर लगवाए। इस बैठक में एसडीएम गोविंद दुबे, एसडीओ पीआर के राय, तहसीलदार शिवराम कनासे, थाना प्रभारी विपिन बौथम, जामा मस्जिद सदर अब्दुल वहाब मंसूरी व अन्य गांवों से आए समाजजन मौजूद रहे। देखिए, आगामी जो भी त्यौहार हैं, ईद का त्यौहार है चाहे अक्षय तृतीया का त्यौहार है, कोरोना के काल में इस त्यौहारों में जो है किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ ना हो, इसके मद्देनज़र सभी धर्म के लोगों को बुला के पुलिस और प्रशासन के द्वारा समझाइश दी गई है और कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के निर्देश आज दिए गए। अच्छा, ईदगाह पे भी नमाज की जाएगी 5 लोगों की के सिर्फ वो भी घर पे होगी? ये सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं ये घर पर ही की जानी है। सांकेतिक रूप से इनकी जो रस्म अदा होनी है वो पहले से जो इस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं लोग उनके द्वारा अदा किए जाएंगे।